अगस्त के महीने में यूपी के बैंक 10 दिन तक बंद रहेंगे। ऐसे में बैंक संबंधित काम निपटाने के लिए इस महीने 21 दिन ही मिलेंगे। अमूमन हर महीने 4 रविवार और 2 शनिवार मिलाकर 6 छुट्टियां रहती है, मगर इस महीने 4 अतिरिक्त छुट्टियां मिलेंगी। इसमें मोहर्रम, रक्षाबंधन, 15 अगस्त और कृष्ण जन्माष्टमी शामिल है। वहीं RBI ने कैलेंडर के हिसाब से अभी तक यह छुट्टी निश्चित की है। हालांकि इसमें प्रदेश सरकार के आदेश के बाद परिवर्तन हो सकता है। वैसे तो RBI की सूची के अनुसार इस महीने कुल 18 दिन बैंक बंद रहेंगे, मगर बाकी 8 छुट्टियां यूपी के बैंक कर्मियों को नहीं मिलती। यह ऑफ अलग अलग राज्यों के कर्मचारियों के लिए है। आपको बता दें कि 12 से 15 अगस्त तक लगातार 4 दिन बैंक का कामकाज नहीं होगा। 12 अगस्त को रक्षाबंधन तो 13 को दूसरा शनिवार और 14 को रविवार और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के कारण बैंक बंद रहेंगे। ऐसे में लोगों को यहां परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ATM में भी कैश RBI या लीड बैंक से ही आता है। ऐसे में 4 दिन में ATM खाली होने से लोगों को परेशानी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।